हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे. ओके, सो जहाँ हमने कल छोड़ा था हमारा टॉपिक, आज हम फिर वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं आपके लिए एक एक्टिविटी छोड़ के गया था कि आप एक एक्टिविटी करके देखें. व्हाट वाज दैट एक्टिविटी? द एक्टिविटी आज की, इफ यू रिप्लेस द कोम्ब, प्लास्टिक कोम, विद ए मेटेलिक स्पून. आई सेड स्टील स्पून, स्टील इज ए मेटल. सो आई सेड इफ यू रिप्लेस द प्लास्टिक कोम्ब विद ए मेटेलिक स्पून एंड देन यू ब्रिंग इट टू द पीस ऑफ पेपर, देन व्हाट डज हैपन? कि क्या ये पीस ऑफ पेपर लिफ्ट होते हैं अभी भी एज इन द केस ऑफ प्लास्टिक कोम? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू ऑब्जर्व दैट इट नाउ दीज प्लास्टिक दीज पीस ऑफ पेपर डिड नॉट गेट लिफ्टेड अपवर्ड. यू ऑल ऑब्जर्व दैट. माई क्वेश्चन वाज व्हाई दिस हैपन्स, कि व्हाट इज सो स्पेशल विद स्टील स्पून, व्हाट इज सो डिफरेंट विद स्टील स्पून? यू कैन से कि प्लास्टिक कोम्ब और स्टील स्पून में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से एक बार तो ये पीस ऑफ पेपर लिफ्ट हो रहे थे लेकिन अभी लिफ्ट नहीं हो रहे. व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक यू ऑल नो द आंसर. यू ऑल हैव फिगर्ड आउट दैट स्टील इज ए मेटल. स्टील मेटल है और जो प्लास्टिक हमने कल लिया था, प्लास्टिक कोम्ब या फिर प्लास्टिक पेन, दैट इज ए नॉन मेटल. दिस इज द ओनली डिफरेंस, दैट स्टील इज मेटल एंड प्लास्टिक इज नॉन मेटल. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मेटल एंड ए नॉन मेटल? दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स, और यू कैन से ऑल द मेटल्स, आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज प्लास्टिक एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर? यू ऑल हैव studied it before in your 10th class. We are just recapitulating the things and how the concept of conductor and insulator are playing a part in our this example. Okay, so let us recall the example once again. What were you doing? You were rubbing the comb, you were taking it nearer to the piece of paper and the plus piece of paper got lifted. You were rubbing a small part of the comb. Fine. आप ऐसे एक स्मॉल पार्ट को रब कर रहे थे, याद आ रहा है? और जब आप इस पार्ट को रब कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन भी यहीं से बाहर निकला था, तो केवल ये वाला पार्ट जो था उसी पे क्या आया था? चार्ज. याद आया? इसी पार्ट पे चार्ज आया था और इस चार्ज की वजह से ही जो पीस ऑफ पेपर थे वो क्या हो रहे थे? लिफ्ट. रिमेंबर दैट वी हैव ए चार्ज ऑन प्लास्टिक कोम, हेयर वी हैड द पीस ऑफ पेपर एटम. ये आपका पीस ऑफ पेपर वाला एटम था और ये कोम्ब वाला एटम था, और ये इसके ऊपर क्या आया था? एक पॉजिटिव चार्ज. अगर ये चार्ज ना आता कोम्ब पे तो क्या ये लिफ्ट हो सकता था पीस ऑफ पेपर? नो. द सिंपल आंसर इज नो. इसके लिफ्ट होने का कारण ही क्या है? ये चार्ज. अगर ये चार्ज नहीं है तो द पीस ऑफ पेपर वोंट गेट लिफ्टेड. फाइन. नाउ
What if I say that this charge, जो चार्ज आपने यहाँ पे जनरेट किया है, वो चार्ज यहाँ रहे ही ना, वो चार्ज यहाँ रहे ही ना, तो क्या ये पीस ऑफ पेपर लिफ्ट हो जाएंगे? फिर से सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं. कहूँ इस पार्ट पे चार्ज आया है और ये चार्ज यहाँ पे रहे ही ना, और फिर आप इस कोम को पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं, तो क्या पीस ऑफ पेपर लिफ्ट हो जाएंगे? द आंसर वुड बी नो, द पीस ऑफ पेपर वोंट गेट लिफ्टेड इफ देयर इज नो चार्ज. सो व्हाट डज हैपन इन द केस ऑफ स्टील स्पून, दैट इफ यू रब द स्टील स्पून then of course the electron will come out from the steel spoon as in the case of plastic coat. But as soon as the charge appears at this part, that charge flow through the steel spoon, then through your body and then through the earth. तो जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, वो चार्ज मेटलिक स्पून से होता होता आपकी बॉडी से होता हुआ कहाँ चला जाता है? अर्थ में. और यहाँ पे कोई चार्ज रहता ही नहीं. और अगर यहाँ चार्ज नहीं रहेगा तो पीस ऑफ पेपर भी लिफ्ट नहीं होंगे. सिंपल. सो that is different in steel spoon, a metallic spoon, that the charge can flow easily through it. यही रीजन रहा होगा भाई, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे चार्ज रहा ही नहीं होगा स्टील स्पून में. अगर यहाँ पे चार्ज रहता तो पीस ऑफ पेपर लिफ्ट होते. अगर पीस ऑफ पेपर लिफ्ट नहीं हो रहे, इसका सिंपल सा एक ही रीजन हो सकता है कि यहाँ पे चार्ज है ही नहीं. वो चार्ज कहाँ चला गया? स्पून से होता हुआ, आपकी बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला गया होगा. बिकॉज मेटल्स आर ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड व्हाट आर द कंडक्टर्स? द मटेरियल्स थ्रू विच द चार्ज कैन फ्लो वेरी इजीली. योर ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर. The charge flow through the spoon, then through your body and then to the earth. In the case of plastic comb, the charge did not flow through the plastic comb. The charge appear at this point. Charge is point pe appear hua aur yahan hi reh gaya. Usko jaane ke liye kisi ne allow hi nahi kiya. The plastic comb, the plastic material did not allow the charge to pass through it because the plastic is an insulator. So, वो charge यहीं पे रहा, इसलिए piece of paper lift हो गए. So, that is the concept of conductor and insulator. That is the reason why the piece of paper are lifted by a plastic comb but not by a steel spoon or anything which is made up of matter. Fine? Understood that point? What are conductors and what are insulator? That is why we in very beginning stressed out a plastic comb, because plastic is an insulator which does not allow to pass through the charge through it. Fine? Okay, so that was insulator and conductor. Fine. Now let us move ahead. Okay, now this is positive charge on plastic comb. This is the atom of piece of paper. Okay, now what I am doing is I am connecting
a wire through this piece of paper and connecting it with the earth. When you connect some wire with any material to the earth, then we say that that material is grounded. Then that material is grounded, or you can say earthing is done. There are two terms for it. First one is it is grounded, or it has been done earthing. Fine. That this piece of paper is grounded. This is the symbol of grounding. Okay. Now what will happen? Think about it. That we connected this material with the ground, and you know, ground is a very large sink of charge, large sink or source of charge, infinite sink or source of charge, you can say. It means that you can give infinite amount of charge to the earth, or can take infinite amount of charge from the earth. Fine. So what will happen? Think. This material was like this. ये आपका material ऐसे ना होके कैसे हो गया था? ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा ऊपर चला गया था, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा नीचे आ गया था, ऐसे हुआ था। तब सोचिए अब क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपने इसको अर्थिंग किया, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होके रखा है, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट होके रखा है, तो ये तो अर्थ में जाएगा नहीं, क्योंकि इसने तो इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज पहले ही इससे रिपेल्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज पहले ही दूर जाना चाहता है, और ऊपर से आपने इसको ग्राउंड कर दिया, तो क्या होगा? थिंक अबाउट इट, क्या होगा? दिस पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, बाय दिस वायर, थ्रू दिस वायर। अंडरस्टूड इट? दैट दिस पॉजिटिव चार्ज विल गो टू द अर्थ, बट नॉट दिस नेगेटिव वन, बिकॉज दिस नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर अर्थिंग? व्हाट विल हैपन टू दिस एटम? दैट वी ओनली हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट। This positive charge is going to the earth. Fine. Okay. मेरे को ये बताइए, पहले जो ये एटम था इस पर कोई चार्ज था? कोई नेट चार्ज इस पर था? नहीं था। पहले ये क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना इस पर नेगेटिव चार्ज था उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज था, बट अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा चुका है? अर्थ में। तो इस पे क्या रह गया? एक नेट नेगेटिव चार्ज। नाउ वी हैव ए नेट नेगेटिव चार्ज ऑन दिस एटम। इट मीन्स इट इज व्हेन वी हैव सम नेट चार्ज ऑन एनीथिंग, व्हाट डू वी से? दैट इट इज electrically charged. That mean that this atom or this material is now electrically charged. आपने इसको चार्ज दे दिया है. And how did you give it some charge? आपने इसको टच करके चार्ज दिया है, जैसे आपने कोम को दिया था, आपने कोम को फिजिकली अपने हेयर्स में रब किया था, या फिर किसी सिल्क क्लोथ या ड्राई क्लोथ के साथ रब किया था फिजिकली। द कोम एंड दैट अदर मटेरियल वाज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, तब जाके कोम चार्ज्ड हुआ था। लेकिन इस केस में देखिए क्या हुआ है, इस केस में ये मटेरियल नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, लेकिन आपने इसको किसी से भी टच नहीं किया है। ये किसकी वजह से चार्ज्ड हुआ है? इस पॉजिटिव
चार्ज की वजह से। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस एटम के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आया, इट इज फार अवे फ्रॉम दिस एटम। दिख रहा है, कोम पीस ऑफ पेपर से काफी दूर होते हैं, लेकिन फिर भी ये पीस ऑफ पेपर नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है। व्हेन यू चार्ज समथिंग बाय दिस वे, देन वी से दैट दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, देन वी से दैट दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, सुना है, देखा भी है, न्यूज भी आती है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, जिसको आप कहते हैं करंट लग गया। तो वो कैसे लगता है, करंट कैसे लगता है? वैसे लगता है ना भाई, आप किसी वायर को टच कर लेते हैं फिजिकली, जैसे कोई करंट किसी वायर में से फ्लो हो रहा है या किसी भी चीज में से फ्लो हो रहा है, आपने उसको डायरेक्टली टच कर लिया, तो क्या होगा, उसमें से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वो चार्ज आपके अंदर आ जाते हैं, आपकी बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज्ड, और फिर वो चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में। तो इंटरमीडिएट स्टेप में चार्ज आपके पास आया, तो आप क्या हो गए हैं, चार्ज्ड हो गए हैं, आप भी चार्ज हुए ना। लेकिन वो चार्ज आप में आया कैसे, जब आपने किसी चीज को क्या किया, फिजिकली टच किया, यू फिजिकली टच द वायर, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब फिजिकली टच करके कोई चीज चार्ज्ड हो, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बट हियर वी डिड नॉट टच दिस कॉम विद दीज प्लास्टिक पेपर्स, सॉरी पीस ऑफ पेपर्स, द कॉम डिडंट टच दीज थिंग्स, स्टिल इट गोट नेगेटिवली चार्ज्ड। सो दिस चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स लेटर ऑन। आई एम जस्ट गिविंग यू ए सम ब्रीफ, ओके, बाय गिविंग ओनली वन एग्जाम्पल। विल डिस्कस इट लेटर इन मच डिटेल, ओके। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, फाइन। सो दिस कॉन्सेप्ट, दिस वन एग्जाम्पल हैज टॉट यू मैनी कॉन्सेप्ट। आप याद कीजिए आपने क्या क्या पढ़ा इस एक कॉन्सेप्ट, इस एक कॉन्सेप्ट से क्या क्या पढ़ा है आपने। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी वर्क फंक्शन की, रिमेंबर इट, वर्क फंक्शन, जिसको आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा बोला था। फिर आपने पढ़ा कूलम्स लॉ, जिसको हम फिर से एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। देन आपने पढ़ा अभी अभी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, और अभी अभी आपने एक चीज और पढ़ ली, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो आपने काफी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए केवल एक ही एग्जाम्पल को डिस्कस करके, ठीक है। तो लगभग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 75% कॉन्सेप्ट्स इसी एक एग्जाम्पल में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस दीज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन सम डिटेल्स, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने यहाँ पे सब कुछ आपकी प्रीवियस नॉलेज को यूज किया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज। फिर मैंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल, दिस इज ऑल्सो योर प्रीवियस नॉलेज। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पता लगा
कि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम, कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ही चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, बस फर्क किसका है, साइन का। हमें ये चीजें पता कैसे लगी, हमें ये कैसे पता लगा कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल ही करते हैं, हमें ये कैसे पता लगा कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट थिंग, कि हमें पता कैसे लगा। तो इफ आई आस्क यू कि जितनी भी हमारी नॉलेज है फिजिक्स की, हमें कि वो कैसे पता लगी, कैसे पता लगी, योर आंसर इज बाय एक्सपेरिमेंट्स, बाय ऑब्जर्वेशंस, कि हमने ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत से एक्सपेरिमेंट करते रहे, उनकी ऑब्जर्वेशन हम लेते रहे, और धीरे 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 उन ऑब्जर्वेशन से हमने क्या बनाए, कंक्लूजन्स, रूल्स। तो सेम चीज ही क्या हुई, यहाँ पे हुई। इन द अर्लियर टाइम साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर डिड ए ह्यूज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड द रिजल्ट ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स वर दीज, जो आप अब पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताने जा रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिनमें बहुत साल लगे और जिनके रिजल्ट केवल ये तीन चार बातें हैं। इन तीन चार बातों के लिए यू वॉन्ट बिलीव कि कितना एफर्ट लगा है, ठीक है। सो फिजिक्स इज फन, बट फिजिक्स ऑल्सो डिमांड्स योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस दोज एक्सपेरिमेंट्स नाउ, कि व्हाट वर दोज एक्सपेरिमेंट्स विच कंक्लूडेड दीज रूल्स और दीज लॉज, ओके फाइन। सो इसको रिमूव कर देते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल, जो आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फाइन ओके ठीक है। तो लेट अस रब इट, वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी द एक्सपेरिमेंट्स जिनसे आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज के बिहेवियर्स के बारे में पता लगा, ठीक है ओके। तो देखिए मैं आपको ये भी मिटा देते हैं, मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट्स बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट, आपको पता है साइंटिस्ट कुछ भी करते रहते हैं, उनको जिस भी चीज़ में मज़ा आता है वही करते रहते हैं, किसी चीज़ को रब कर देंगे, रब करके किसी के पास लेके जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऐसे वो कुछ भी करते रहते हैं। आपको पता है साइंटिस्ट मैड जीनियस, वो जीनियस है, ठीक है। तो उनको सब कुछ करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब बहुत पहले का टाइम था, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ग्लास रोड ली, दे टुक ए ग्लास रोड एंड दे रब इट विद ए सिल्क क्लोथ, दिस इज ए सिल्क क्लोथ, दे टुक ए ग्लास रोड एंड दे रब दिस ग्लास रोड विद सिल्क क्लोथ। जैसे अभी आप प्लास्टिक कोम को हेयर्स के साथ रब कर रहे थे, देवर रबिंग ए ग्लास रोड विद ए सिल्क क्लोथ और सिल्क थ्रेड, यू कैन से फाइन। देन दे टुक अनदर सिमिलर ग्लास रोड एंड दे अगेन रब इट विद ए सिल्क क्लोथ एंड दे रब टू ग्लास रोड विद सिल्क क्लोथ एंड देन दे bring these two glass rod nearer to each other like this, these are two glass rod, they rub it with some silk cloth and they bring it nearer to each other, they observed that these glass rods repelled each other। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये ग्लास रोड थी वो एक दूसरे को क्या करने लग गई, रिपेल। So that was
उस टाइम पे रिपल्सन होना ऐसे, दैट वॉज फैसिनेटिंग एट दैट टाइम. सो दैट वॉज द ऑब्जर्वेशन नंबर वन, कि द ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ रिपेल अनदर ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ. देखिए, आपने ग्लास रोड सिमिलर ली हुई है, सिल्क क्लॉथ या सिल्क थ्रेड भी सिमिलर लिया हुआ है. ठीक है, आपने ग्लास रोड को सिल्क थ्रेड या सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, आप ग्लास रोड को ग्लास रोड के पास लाए, तो आपने देखा, साइंटिस्ट्स ने देखा कि ये दोनों आपस में क्या करने लग गए, रिपेल. दैट वाज अमेजिंग. उन्होंने और कुछ भी देखा, उन्होंने देखा जो ये सिल्क क्लॉथ थे ना, जिनके साथ ये ग्लास रोड रब की हुई थी, ये दोनों भी आपस में क्या कर रही थी, रिपेल. कि ये सिल्क थ्रेड इस सिल्क थ्रेड को भी क्या कर रहा था आपस में, रिपेल. दोनों, ग्लास रोड को रिपेल कर रही थी, सिल्क क्लॉथ को रिपेल कर रहा था. बट दिस ग्लास रोड वाज अट्रैक्टिंग दिस सिल्क क्लॉथ. जो आपकी ग्लास रोड थी वो सिल्क क्लॉथ को अट्रैक्ट कर रही थी, जिसके साथ इसको रब किया हुआ था. दे ऑब्जर्व दिस थ्री अमेजिंग फिनोमिनाज बाई ए सिंपल एक्सपेरिमेंट. दीज थ्री फिनोमिनाज, नाउ दीज ऑब्जर्वेशन सेम वेरी मच अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. वील डिस्कस द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, देन वी कम इट अगेन. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दिस दीज आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. फाइन, नाउ साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट रिप्लेस दिस ग्लास रोड विथ प्लास्टिक रोड, प्लास्टिक रोड. एंड दे दिस टाइम दे ऑल्सो चेंज दिस सिल्क क्लॉथ विथ कैट्स फर. कैट्स फर यू ऑल नो. ओके, कैट्स फर. नाउ दे रिप्लेस ग्लास रोड विथ प्लास्टिक रोड एंड सिल्क क्लॉथ विथ कैट्स फर. दे डिड द सेम, दे रब द प्लास्टिक रोड विथ कैट्स फर. सिमिलरली दे टुक अनदर प्लास्टिक रोड, रब्ड इट विथ कैट्स फर एंड ब्रिंग दीज टू प्लास्टिक रोड नियरर टू ईच अदर, जैसा कि आपने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा. अब वो प्लास्टिक रोड को पास लेके आए, तो व्हाट डू यू थिंक क्या हुआ होगा, एनी गेस. ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ होगा, कि प्लास्टिक रोड और प्लास्टिक रोड आपस में क्या आई होंगी, रिपेल. एग्जैक्टली, तो प्लास्टिक रोड ऑल्सो रिपेल्ड प्लास्टिक रोड, और कैट फर ने कैट फर के साथ क्या किया होगा, दे ऑल्सो रिपेल्ड. कैट्स फर रिपेल्स कैट्स फर, सेम एज लाइक इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. एंड दिस प्लास्टिक रोड अट्रैक्टेड कैट्स फर. प्लास्टिक रोड अट्रैक्ट्स कैट्स फर. इन दीज टू एक्सपेरिमेंट्स आई जस्ट चेंज ग्लास रोड विथ प्लास्टिक रोड एंड सिल्क क्लॉथ विथ कैट्स फर. द ऑब्जर्वेशंस फर कंप्लीटली सेम. दीज आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स. नाउ डू यू फाइंड एनी analogy between these two experiments and in the observation of these two experiments. देखिए, ग्लास रोड और ग्लास रोड आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही है. देखिए, दोनों ग्लास रोड तो सेम ही है, इनको सेम सिल्क क्लॉथ के साथ ही रब किया है, तो इनके साथ जो कुछ हुआ होगा, इन ग्लास रोड के साथ जो भी कुछ हुआ होगा, एक जैसा ही हुआ होगा, है ना भाई? भाई दोनों ग्लास रोड ही हैं,
दोनों को सेम सिल्क क्लॉथ के साथ ही रब किया है, तो जो इफेक्ट इन ग्लास रोड पे आए होंगे वो सेम ही आए होंगे, सेम ही आए होंगे, सेम इन दिस केस। दोनों प्लास्टिक रोड है, दोनों को कैट फर के साथ ही रब किया है, तो दोनों पे जो इफेक्ट आए होंगे वो सेम ही आए होंगे। और यहां पे जब जब सेम इफेक्ट आ रहा है, ग्लास रोड ग्लास रोड, दोनों पे सेम इफेक्ट आया हुआ होगा, प्लास्टिक रोड प्लास्टिक रोड, दोनों पे सेम इफेक्ट हुआ होगा। जब जब सेम इफेक्ट हो रहा है तब तब क्या हो रहा है, रिपल्सन। कि जब जब एक जैसी चीजें हैं तब तब वो आपस में क्या कर रही है, रिपेल। डिड यू गेट एनी आइडिया? नाउ लेट अस मूव टू अनदर ऑब्जर्वेशंस। देखिए, सिल्क क्लॉथ को हमने छोड़ दिया, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, तो जो इन दोनों सिल्क क्लॉथ पे इफेक्ट हुआ होगा वो भी क्या हुआ होगा, सेम, सेम इन दिस केस। दोनों प्लास्टिक रोड को कैट्स फर के साथ रब किया, तो दोनों बार कैट्स फर पे कैसा इफेक्ट हुआ होगा, सेम, एंड अगेन सेम इफेक्ट, देन देयर इज रिपल्सन। सेम इफेक्ट, कैट्स फर, रिपल्सन, अगेन एक जैसी चीजें फिर से क्या कर रही है, रिपेल। जब जब सेम चीजें हैं तब तब वो आपस में क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अट्रैक्ट कब हो रहा है ये देखिए, अट्रैक्ट जब हो रहा है जब ये चीज और ये चीज क्या रही, अलग अलग। देखिए, जो इफेक्ट इसके साथ हो रहा है, अगर वो ही इफेक्ट इसके साथ होता तो रिपल्सन ही हुआ होता। पहले भी हम देख चुके हैं कि जब जब सेम इफेक्ट हो रहा है ना तब तब ही रिपल्सन हो रहा है। अगर इसके साथ जो इफेक्ट हो रहा है वो ही इसके साथ होता तो यहां पे भी क्या हुआ होता, रिपल्सन। लेकिन व्हाट डिड द साइंटिस्ट ऑब्जर्व, दैट देयर इज अट्रैक्शन। What does that signify? Yeah, what this gives you? What idea this observation gives you? What idea? That the effect with glass rod and the effect with silk cloth, and in the second experiment, the effect with plastic rod and the effect with cat's fur are different. The effect with these things are different. Different object, different effects. तो यहां से हमें क्या आइडिया मिला कि अगर चीजें अलग अलग हैं, उनके साथ इफेक्ट अलग अलग हुए हैं, इफेक्ट देखेंगे वो कौन सा इफेक्ट है, कि वो इफेक्ट अलग अलग है तो चीजें आपस में क्या कर रही है, अट्रैक्ट। फाइन, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ठीक है, दे ऑल्सो ऑब्जर्व समथिंग एल्स। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरमिक्सिंग स्टार्ट की दोनों एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने क्या किया, वो ग्लास रोड को प्लास्टिक रोड के पास लेके आए। इस एक्सपेरिमेंट से ग्लास रोड ली, इस एक्सपेरिमेंट से प्लास्टिक रोड ली, और दोनों को क्या लेके आए, पास पास लेके आए। दे ऑब्जर्व दैट दीज टू रोड्स अट्रैक्ट ईच अदर। Glass rod from the first experiment attracted the plastic rod from the second one. And this glass rod repelled this cat's fur. Glass rod repelled the cat's fur. So, what do you think from these observations? What idea did you get from these observations? That from these observation we have concluded, yeah, we have some intuition that if we have same effect then these the things will repel, and if we have different effect then we have attraction. Here is attraction. What does that mean? That the glass rod's effect is different to the plastic rod effect, and the glass rod effect is similar to the
कैट्स फर इफेक्ट, इसका मतलब है जो यहाँ ग्लास रोड के साथ हुआ है वो यहाँ कैट्स फर के साथ हुआ है. यस, जो यहाँ ग्लास रोड के साथ हुआ है वो यहाँ कैट्स फर के साथ हुआ है, तभी तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल. लेकिन जो यहाँ ग्लास रोड के साथ हुआ है उसका अपोजिट यहाँ किसके साथ हुआ है, प्लास्टिक रोड के साथ हुआ, तभी ये आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट. सो दीज आइडिया वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशंस. फाइन, सो वी हैव सम इंट्यूशन दैट इफ द सेम इफेक्ट वी आर रिपेलिंग. ओके, एंड व्हाट इज दिस इफेक्ट, आई एम अगेन एंड अगेन यूजिंग द टर्म इफेक्ट, इफ सेम इफेक्ट, वट इज दैट इफेक्ट, वी हैव डिस्कस्ड इट इन एग्जाम्पल, कि वो इफेक्ट क्या है, रब करने से इस पर क्या हुआ होगा, कौन सा इफेक्ट आया होगा, रब करने से इस पर क्या आया होगा, चार्ज आया होगा, जैसा प्लास्टिक कोम के केस में हुआ था, जब हमने उसको रब किया था तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे या उस पर आ गए थे और वो क्या हो गया था, चार्ज. उस चार्जिंग के प्रोसेस को मैं यहाँ कहाँ क्या कह रहा हूँ, इफेक्ट. तो जब आप दो चीज़ों को रब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, चार्ज्ड हो रही हैं. ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया, ठीक है. लेकिन ये पता लग रहा है कि जैसा चार्ज यहाँ पे आया है, जैसा इफेक्ट यहाँ पे आया है, उसका डिफरेंट इफेक्ट यहाँ पे आया है, है ना. तभी तो अट्रैक्शन था यहाँ पे और यहाँ पे, कि जैसी चार्जिंग यहाँ पे हुई है ना वैसी चार्जिंग यहाँ नहीं हुई, उसकी अपोजिट हुई है, क्योंकि रिजल्ट भी क्या है, अपोजिट. सो वी आर गेटिंग सम आइडियाज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस. ओके, they did some more experiments over these charge. What did they do? They took two balls. Okay, जैसे प्लास्टिक की बोली मान लीजिए आप, ठीक है, खेलते हैं ना आप प्लास्टिक की बोल से, बचपन में थे तब खेलते थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो प्लास्टिक की बोल्स ली, दो प्लास्टिक की बोल ली उन्होंने, ठीक है. अब उन दोनों प्लास्टिक की बोल को उन्होंने क्या किया, इस चार्ज्ड ग्लास रोड से टच कर दिया, इसको ऐसे टच कर दिया ग्लास रोड से और इसको भी टच कर दिया, ठीक है. तो आपको पता है जब टच करेंगे तो इसका चार्ज थोड़ा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और इसका चार्ज भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो उन्होंने देखा कि जब दोनों को ग्लास रोड के साथ टच किया तो ये दोनों बोल आपस में दूर दूर भागने लग गई, दे रिपेल्ड ईच अदर, द बोथ बॉल्स रिपेल्ड ईच अदर. सेम आइडिया, व्हाई डिड दे रिपेल्ड, सिंपल सी बात है अब तो, कि भाई दोनों को ग्लास रोड ने टच किया है तो दोनों पे जो इफेक्ट आए होंगे या चार्ज आए होंगे वो सेम आए होंगे और सेम चार्ज की वजह से ही वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. सेम आइडिया जो हमने यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे भी काम कर रहा, ठीक है, वो कब हो रहा. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हीं दो बोल को प्लास्टिक रोड के साथ टच कर दिया, दोनों बोल्स को इस बार किसके साथ टच किया, प्लास्टिक रोड के साथ. फिर उन्होंने यही देखा कि ये दो जो दो बोल थी ये आपस में क्या करने लग गई, रिपेल. सेम आइडिया द साइंटिस्ट वर गेटिंग अगेन एंड अगेन, प्लास्टिक रोड, प्लास्टिक रोड, बोल्स भी कैसी है, सेम. तो जब दोनों को प्लास्टिक रोड के साथ टच करेंगे तो दोनों पे चार्ज भी कैसे आएंगे, सेम. दोनों पे इफेक्ट भी कैसे होंगे, सेम. और दोनों फिर से क्या कर रही हैं, रिपेल. सेम इफेक्ट, सेम चार्जिंग कोजेज रिपल्सन. सेम आइडिया द साइंटिस्ट वर गेटिंग अगेन एंड अगेन. नाउ व्हाट दे डिड, नाउ दे चेंज्ड
the roads. They touched first bowl with glass road and second bowl with plastic road. Now what do you think? क्या हुआ होगा कि एक को तो उन्होंने ग्लास रोड के साथ टच कर दिया, एक को प्लास्टिक रोड के साथ टच कर दिया, और पहले वो ऑब्जर्व कर चुके थे कि ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो अब आप खुद सोचिए अब क्या हुआ होगा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन, या दे द बॉल्स अट्रैक्टेड ईच अदर। वो जो दो बॉल थी वो क्या आ गई आपस में, पास पास आ गई। एक को आपने ग्लास रोड के साथ टच किया है और एक को आपने प्लास्टिक रोड के साथ। क्यों? क्योंकि इस बार इफेक्ट, क्योंकि इस बार चार्जिंग क्या है, डिफरेंट। दैट इज व्हाई द बॉल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो दीज वर सम एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको 5 मिनट में बता दिए हैं, लेकिन ये इन एक्सपेरिमेंट्स को करने में सालों की मेहनत, ठीक है, सालों की मेहनत लगी है इनके पीछे साइंटिस्ट की, जो मैंने आपको 10 मिनट में बता दिए। और इनसे जो ऑब्जर्वेशन आ रही है उनसे हम कंक्लूड कर पाए हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। देखिए, इन सब ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता लगा कि या तो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, दो ही चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे जो इफेक्ट हुए होंगे वो भी कैसे टाइप के हुए होंगे, दो टाइप के। इफेक्ट मतलब चार्जिंग, कि दो टाइप की ही चार्जिंग हुई होगी, एक टाइप की ग्लास रोड पे आई होगी, एक टाइप की दूसरे पे चली गई होगी। जैसे टाइप की चार्जिंग इस पेयर पे आई है, इस साइड आई है, उससे कंप्लीटली डिफरेंट चार्जिंग कहाँ गई होगी, इस साइड। अंडरस्टूड फ्रॉम दिज ऑब्जर्वेशन। सो फ्रॉम दिज ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ एंटिटी जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उस एंटिटी को जो मैंने कहा, जो इफेक्ट जिसकी वजह से हो रहा था, उसी को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, चार्ज। चार्ज, और ये चार्ज कितने टाइप का रहा होगा, दो टाइप का, एक इस साइड और एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, टू टाइप ऑफ चार्जेज। नाउ इनसे हमें ये तो पता लग गया दो टाइप के चार्जेज है भाई, लेकिन साइंटिस्ट ने उनको नेगेटिव और पॉजिटिव ही क्यों कहा। देखिए, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। साइंटिस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जैसे आपने प्लास्टिक कोम को हेयर्स के साथ रब किया था, जैसे यहाँ पे ग्लास रोड के साथ कर रहे हैं, तो ग्लास रोड भी प्लास्टिक कोम की तरह चीज़ों को क्या करने लग जाती है, लिफ्ट करने लग जाती है या अट्रैक्ट करने लग जाती। जैसे इस केस में मान लीजिए प्लास्टिक रोड को आपने हेयर्स के साथ रब किया या कैट फर के साथ रब किया, तो वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को क्या कर रही थी, लिफ्ट। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर उसी प्लास्टिक रोड को आप सिल्क क्लॉथ के साथ टच कर दें, टच करके फिर पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं, तो वो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट ही नहीं होते। फिर से सुनिए क्या बता रहा हूं। ये कैट्स फर है, लेट अस से दिस इज कैट्स फर, दिस इज प्लास्टिक रोड। आपने प्लास्टिक रोड और कैट्स फर को क्या किया, अट्रैक्ट। तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों चीज़ें, प्लास्टिक भी और कैट्स फर भी, क्योंकि दोनों चार्ज्ड हो गए हैं, ये दोनों चीज़ें अब छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट। लेकिन अगर हम इन दोनों को फिर से टच में ले आए, तो जो ये इनकी पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी ये ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो गई होगी भाई, पहले तो अच्छे भले अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब इनकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई। क्यों, दोनों को टच करने से ऐसा क्या हुआ होगा, व्हाट कैन बी द रीजन, कि दोनों को टच किया तो दोनों की पावर खत्म, दोनों की शक्तियां खत्म हो गई। ऐसा कब हो सकता है,
ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया हो, कि इसके ऊपर जो इफेक्ट था और इसके ऊपर जो इफेक्ट था वो दोनों के टच होने से क्या हो गया, कैंसिल। और कैंसिल कब हो सकता है, जब इन दोनों के ऊपर जो इफेक्ट है वो अपोजिट हो और इक्वल हो। व्हेन द चार्ज ऑन बोथ द मटेरियल्स आर इक्वल, आई एम राइटिंग इट हियर, इक्वल एंड ओपोजिट, देन ओनली दे कैन नलीफाई देयर इफेक्ट्स, देन ओनली दे कैन कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। व्हेन देयर चार्जिंग इज इक्वल एंड ओपोजिट। सो जस्ट लाइक नंबर्स, व्हेन वी एड सम नेगेटिव नंबर टू द पॉजिटिव नंबर, व्हाट डज हैपन, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड इफ वी एड दीज टू नंबर्स व्हाट विल गेट, नल। दीज आर नलिफाइंग ईच अदर इफेक्ट। सेम हियर इन द चार्जिंग, टू चार्ज नलिफाइंग ईच अदर्स इफेक्ट। So on the analogy of this algebraic number, scientists name the charge as negative charge and positive charge. There are two types of charges, and if we are bringing these two types of charges nearer to the each other, they are nullifying each other. Same like this. So the scientist name these two types of charges as negative एंड पॉजिटिव, कि एक जो टाइप का चार्ज आया है वो पॉजिटिव आया है और जो एक टाइप का आया है वो नेगेटिव आया है। दिस वॉज द लॉजिक फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। फाइन, बाय कन्वेंशन वी हैव ग्लास रोड हैज पॉजिटिव चार्ज एंड प्लास्टिक रोड हैज नेगेटिव चार्ज, बाय कन्वेंशन। ओके, so this is the reason why we have two type of charges, why we name that as negative and positive, why the like charges repels each other, why the like charges negative and negative repels each other, why the unlike charges positive and negative attracts each other, positive negative attracts each other. So these were the experiments which concluded these rules that we use in our daily life. Okay? So aap bas abhi itna hi padhe, go through the book, go through all these experiments. This is not important for the exam points of view, but this gives you the understanding, this gives you the hard work of the scientist, physicist, कि वो कितने मतलब curious थे जानने के लिए, कितने hard working थे, ठीक है? तो this experiment gives you the wisdom of the scientist, ठीक है? Fine. So go through this, read the book, and if you have some doubt, ask in the next lecture. Fine. Okay. Thank you.